हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि सर हमें कोई ऐसी वीडियो बना के दीजिए जिससे हम कंप्लीट सिरेमिक कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से बना सके, क्योंकि कुछ लोगों के आसपास में सिरेमिक विभाग का जो ऑफिस होता है वो नहीं होता है, कार्यालय नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग कार्यालय तक नहीं पहुँच सकते या कार्यालय से संपर्क नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही सिरेमिक कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देख ली तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको दूसरी किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कम्प्लीट फाइल मेरे सामने रखी हुई है, एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है। और आपको मैं दोनों तरीके से आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ आपको क्या क्या फॉर्म लगने वाले हैं और आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करने हैं, आपको कंप्लीट सिरेमिक कार्ड कैसे बनाना है, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो एक एक स्टेप को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को बीच में बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन किन फॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जितने भी फॉर्म इस फाइल के अंदर लगने वाले हैं सारे फॉर्म के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके जितने भी फॉर्म होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी आपको दे दूँगा। सिरेमिक कार्ड कैसे बनाएं, इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको जो प्रोसेस दिखाया था वो एक शॉर्ट प्रोसेस था, लेकिन वो शॉर्ट प्रोसेस में आपको अच्छे से समझ नहीं आया। कुछ लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एक सिरेमिक कार्ड बना रहा हूँ। दोस्तों, जितने भी स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जितना भी प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको सेम प्रोसेस करना है। और आपका जो भी सिरेमिक कार्ड है, आप जिसका भी बनाना चाहते हैं, आप अपना बनाना चाहते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर का बनाना चाहते हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे हैं, एक फाइल कंप्लीट है ये मेरी फाइल, और मैंने इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लिया है। और आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है तो पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं डिस्प्ले पे एक ब्लैंक फॉर्म आपको यहाँ शो करूँगा और उस ब्लैंक फॉर्म पे आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस किस ऑप्शन पे क्या क्या चीज़ फिल करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, पहले आपको फॉर्म भर के दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको मोबाइल फ़ोन पे करके दिखाऊंगा कि आपको मोबाइल फ़ोन में कहां पर जाकर ऑनलाइन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, किस तरीके से अपलोड करने हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, चलिए वीडियो के लिए शुरू करता हूं। तो दोस्तों, मैंने कंप्लीट फाइल को अपने हाथों में ले लिया है और यहाँ साइड में एक ब्लैंक फॉर्म आपके लिए मैं शो कर रहा हूँ। और कंप्लीट फॉर्म को मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को शो नहीं कर सकता, ये इलीगल हो सकता है। और इस ब्लैंक फॉर्म पे आपको कंप्लीट फॉर्म में भर के दिखाऊंगा, यानी कि आप फिल करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से फिल करना है। पहले आप ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अगर आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो सिरेमिक कार्ड आप बनाना चाह रहे हैं वो रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इस फॉर्म को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। फॉर्म में ऊपर यहाँ आपको दिख जाएगा नाम हिंदी में, तो आपको क्या करना है, आप जिसका भी सिरेमिक कार्ड बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ हिंदी में लिख देना है फॉर्म के, और उसका नाम फिर आपको यहाँ इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको दिख जाएगा पिता या पति का नाम, तो यहाँ आपने पिता का नाम डाल देना है, सिरेमिक के पिता का नाम हिंदी में डाल देना है, और नीचे आपको सिरेमिक के पिता का नाम इंग्लिश में फिल कर देना है। अब दोस्तों, नीचे लिखा आपको दिख जाएगा माता का नाम हिंदी में, तो यहाँ आपके लिए क्या करना है, सिरेमिक की माता का नाम यहाँ लिख देना है और यहाँ सिरेमिक की माता का नाम इंग्लिश में लिख देना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा सिरेमिक के रोज़गार का प्रकार, तो यहाँ आपको कुछ फिल नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ आपके लिए दिख जाएगा जन्मतिथि, तो यहाँ आपको अपनी जन्मतिथि डाल देनी है। आपको जन्मतिथि वही डालनी है जो आपके आधार कार्ड में है। और दोस्तों, उससे यहाँ पर साइट में आपको दिख जाएगा जाति, तो आप जिस जाति की हैं वो जाति आपको यहाँ एंटर कर देनी है, यानी कि टाइप कर देनी है। दोस्तों, यहाँ आपको दिख जाएगा आधार संख्या, तो यहाँ आपके लिए अपनी आधार संख्या फिल कर देना है। और यहाँ आपको दिख जाएगा विवाहित अविवाहित, तो आपको अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित पर आपको टिक मार्क कर देना है, अविवाहित हैं तो अविवाहित पर टिक मार्क कर देना है।
दोस्तों उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, और यहाँ आपको दिख जाएगा पोस्ट। तो आपकी जो भी पोस्ट लगती है तो वो पोस्ट आपको यहाँ लिख देनी है, और नीचे अपनी तहसील को लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका थाना कहाँ लगता है वो आपको यहाँ लिख देना है, जिस एरिया में आपका थाना लगता है। आपका जिला जो भी लगता है वो जिला आपको यहाँ लिख देना है। तो उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा ग्राम। तो आपका ग्राम मोहल्ला जो भी आजकल लगता है, जो भी आपका एड्रेस है, वो एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है। और नीचे आपको दिख जाएगा वार्ड। अगर आपके आसपास में, अगर आपके इलाके में जहाँ आप रहते हैं वहाँ वार्ड का इस्तेमाल होता है या ब्लॉक का इस्तेमाल होता है, वो आप अपना लिख सकते हैं, ब्लॉक वार्ड जो भी लगता है आपका। और यहाँ आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। यहाँ आपको दिख जाएगा पिन कोड। तो यहाँ आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आपको सेम प्रोसेस आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, लेकिन नीचे आपको कुछ फील नहीं करना है, इसे आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। और थोड़ा सा आपको और नीचे आ जाना है तो यहाँ आपको दिख जाएगा श्रमिक का बैंक खाता संख्या। तो आपको अपनी बैंक खाता संख्या आपकी जो भी है वो अपनी बैंक खाता संख्या यहाँ आपको लिख देनी है। और दोस्तों यहाँ अपनी बैंक खाता संख्या की IFC कोड है वो आपको लिख देना है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे और आता हूँ, और यहाँ आपको दिख जाएगा पहले नंबर पे हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि आपको अपनी पत्नी का नाम, अगर आपकी पत्नी है तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ लिख सकते हैं, पत्नी अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ आपने पत्नी का नाम डाल देना है हिंदी में, यहाँ अपनी पत्नी का नाम इंग्लिश में डाल देना है, और यहाँ आपके लिए अपनी पत्नी का आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ आपको लिंक में लिख देना है महिला, और यहाँ आपकी जो भी वाइफ हैं उनकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी है जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में हो। तो इसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा संबंध, आपके संबंध क्या है वो आपको यहाँ लिख देना है। पत्नी है तो आप पत्नी आपको लिख देनी है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे और आता हूँ, तो यहाँ आपको दिख जाएगा नॉमिनी का नाम हिंदी में। तो यानी कि मैंने आप इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कि नॉमिनी का किस जगह पर, नॉमिनी के लिए भी एक योजना होती है, आप देख सकते हैं, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा आपके लिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपनी नॉमिनी का नाम लिख देना है। तो नॉमिनी अपनी वाइफ को ही बनाना है, तो यहाँ अपनी वाइफ का नाम लिख देना है हिंदी में, और नीचे लिख देना है इंग्लिश में, और यहाँ संबंध लिख देना है पत्नी। ओके दोस्तों, ये फॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फॉर्म को अच्छे तरीके से ही भरना है इसी तरीके से। और नीचे थोड़ा सा और आएंगे अगर आप, तो यहाँ आपको दिख जाएगा श्रमिक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान। तो अगर आप अंगूठे के निशान लगाना चाहते हैं तो अंगूठे के निशान भी ये लगा सकते हैं, अगर आप साइन करते हैं तो आप साइन भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म नंबर 1 है, और ये फॉर्म अच्छी तरीके से इसी तरीके से आपको फिल कर लेना है। तो ये फॉर्म तो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपको एक फॉर्म और फिल कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस फॉर्म के लिए भी। तो दोस्तों ये है फॉर्म नंबर 2, और इस फॉर्म का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस फॉर्म को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर आपको कुछ खास फिल नहीं करना है, ऊपर आपको दिख जाएगा मैं, तो मैं के आगे श्रमिक का नाम लिख देना है, आप जिसका भी श्रमिक कार्ड बना रहे हैं उसका नाम लिख देना है, और उसके का नाम यहाँ लिख देना है, और नीचे आपको दिख जाएगा निवासी ग्राम पोस्ट जो भी आपकी वो आपको यहाँ लिख देना है, और उसके बाद आपका ब्लॉक जो भी लगता है वो ब्लॉक आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको दिख जाएगा नगर निकाय, और आपका जो अगर ब्लॉक लगता है तो ब्लॉक आप लिख सकते हैं, और वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आपकी तहसील जो भी लगती है वो आप तहसील आपको यहाँ लिख देना है, आपका जिला जो भी है वो अपना ज़िला आपको यहाँ लिख देना है। दोस्तों यहाँ आपको दिख जाएगा 12 माह में कुल कितने दिन कार्य किया है, तो यहाँ आपके लिए 90 दिनों से ज़्यादा का ही काम अपना डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ डाल रखा है 92। आप चाहें तो 90 दिन भी डाल सकते हैं, 92 भी डाल सकते हैं, 95 भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको काम जितना भी दिखाना है वो 90 दिन से एक्स्ट्रा ही दिखाना है, कम नहीं दिखाना है। दोस्तों उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ये आपको 4 कॉलम यहाँ देखने को मिलेंगे, और पहले कॉलम में आपको लिख देना है निर्माण भवन, और दूसरे कॉलम में आपको अपना काम की जितने भी आपकी संख्या, जितने दिन आपने काम किया है उतने दिन की आपको संख्या यहाँ डाल देनी है,
और आपका स्थान, आप जिस इलाके में या जिस जगह पर रहते हैं, आपका जो भी इलाके का नाम है तो आपको वो डाल देना है, और यहाँ आपने किसके पास काम किया है वो आपको डाल देना है। तो आपको यहाँ ठेकेदार भी आप लिख सकते हैं, और नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पर, इस साइड में आपको यहाँ पर दिख जाएगा हस्ताक्षर निर्माण श्रमिक के। तो यहाँ आपको अपने श्रमिक, जिसका भी आप श्रमिक कार्ड बना रहे हैं उसका आप हस्ताक्षर यहाँ आपको लेने नहीं है, और यहाँ आपको श्रमिक का नाम डाल देना है। यहाँ आपको श्रमिक के पिता या पति का नाम डाल देना है, तो पता, तो आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर आप डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस आपके लिए बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप सेम इसी प्रोसेस से आप कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं, आप किसी दूसरे राज्य से हैं, तो आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, आप भी इसी तरीके से आराम से बना सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप किस राज्य से हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको लिए वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो दोस्तों ये फॉर्म नंबर टू आपने कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से। दोस्तों अब आपके लिए कोई फॉर्म आपको फिल नहीं करना है, आपको नया श्रमिक कार्ड बनाने के लिए सिर्फ दो ही फॉर्म आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपको अपनी आईडिया को यहाँ लगा देना है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को लगाना है इस फाइल के अंदर। तो चलिए बता देता हूँ आपके लिए बाकी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चीज़ लगानी है। दोस्तों अभी आपके लिए फर्स्ट नंबर का फॉर्म मैंने आपको फिल करके दिखाया था। फर्स्ट नंबर फॉर्म के बैक साइड में एक इस तरीके का फॉर्म आपको देखने को और मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस फॉर्म को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि इस फॉर्म को सत्यापन के दौरान आपका जो श्रम विभाग होगा उन लोगों के लिए ये छोड़ देना है, वो लोग अपने हिसाब से इसे कंप्लीट करके भरेंगे और आपका जो भी फाइल होती है उसका सत्यापन करेंगे। तो आपको इस तरीके से ये ब्लैंक छोड़ देना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। दोस्तों दोनों फॉर्म को फिल करने के बाद तीसरे नंबर पे आपको श्रमिक का आधार कार्ड लगा देना है। जैसा कि मैंने फाइल के अंदर एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी को लगा के रखी हुई है, तो आपको भी अपनी एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। दोस्तों उसके बाद आपके लिए श्रमिक की वाइफ की एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी फाइल के अंदर लगा देना है। जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं मैंने एक श्रमिक की वाइफ की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ लगा के रखी हुई है, तो आपको भी श्रमिक की वाइफ की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसी तरीके से लगा लेनी है। और दोस्तों उसके बाद श्रमिक के बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको फाइल के अंदर इसी तरीके से लगा लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं श्रमिक की बैंक अकाउंट की पासबुक को मैंने यहाँ लगा के रखी हुई है, तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेनी है। दोस्तों अब मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूँ, फॉर्म नंबर वन पे आपको यहाँ श्रमिक का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लगाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको एक अच्छा सा लगाना है जो दिखने में साफ लगे, इस तरीके का लगाना है। तो चलिए दोस्तों ये फाइल आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से ये प्रोसेस को समझ चुके होंगे। दोस्तों आगे का प्रोसेस मैं आपको ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पे करके दिखाने वाला हूँ कि आपको यही फॉर्म किस तरीके से अपलोड करने हैं और आपको किस तरीके से अपने मोबाइल से श्रमिक कार्ड को बनाना है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर, आपको भी इसी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आ जाना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ आपको देख पा रहे हो क्रोम ब्राउज़र को यहाँ मैंने डिस्प्ले पे लगा दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाएँ। तो आपको क्या करना है, अपना श्रमिक कार्ड बनाने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र मैंने यहाँ अपना ओपन कर लिया है, और आपको भी इसी तरीके से अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप कर देना है UPBOCW, तो मैं यहाँ UPBOCW को टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने जूम कर दिया वीडियो के लिए ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, तो जैसे ही मैंने UPBOCW को टाइप किया है तो यहाँ नीचे ही आपको एक साइट देखने को मिल जाएगी, और ये श्रम विभाग की साइट है, आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है। तो मैं इस वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ, आपको भी इसी तरीके से क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ आपके लिए क्या करना है वो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन ज़रूरतमंदों की मदद हो सके जो लोग इस प्रोसेस को करना चाहते हैं और उन्हें इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। चलिए मैं आय का प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है इस तरीके से। मैं यहाँ वीडियो के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा श्रमिक पंजीयन का आवेदन। तो आपको क्या करना है, श्रमिक पंजीयन आवेदन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा आधार संख्या और नीचे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा अपना मंडल चुने। तो मैं यहाँ आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी एरिया यानी कि जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्य के नाम यहाँ इस तरीके से शो हो जाएंगे। तो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा अपना जनपद चुने और नीचे यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पहले अपना जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर देता हूँ, उसके बाद आय का प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधार नंबर डाल दिया है, यहाँ मंडल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ अपना राज्य को मैंने सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ एक मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया है। दोस्तों यहाँ आपके लिए एक मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो भी मोबाइल नंबर आपका पर्सनल हो और आपका हमेशा ही साथ में रहता हो। दोस्तों उसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा आवेदन संशोधन करें, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके द्वारा जो नंबर दिया गया था उस नंबर पर एक OTP आएगा और OTP आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने OTP को एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा प्रमाणित करें, तो आपको प्रमाणित करें पे क्लिक कर देना है, फिल कर देना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको क्या क्या फिल कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा श्रमिक की आवेदन संख्या, तो यहाँ आपको इसके ब्लैंक छोड़ देना है अभी। और यहाँ आपको अपना आधार नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको आपकी जिस दिन आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी डेट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी राशन कार्ड संख्या, तो अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड संख्या डाल सकते हैं, अदरवाइज आप से छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा श्रमिक का नाम अंग्रेजी में, तो यहाँ आपको श्रमिक का नाम डाल देना है। और अगर आप श्रमिक के नाम यहाँ आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे हिंदी में टाइप हो जाएगा, नीचे आपको हिंदी में टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसी तरीके से नीचे यहाँ आपको लिख देना है अपनी सनोप, अपने यानी के पिता का नाम लिख देना है इंग्लिश में और नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक की फिल हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा माता का नाम इंग्लिश में, यानी कि आपको यहाँ माता का नाम अंग्रेजी में लिख देना है और नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक की फिल हो जाएगा। और दोस्तों थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो यहाँ आपको अपने कार्य का प्रकार चुन लेना है और यहाँ आपको अपने लिंग को चुन लेना है। दोस्तों यहाँ आपको अपनी जन्मतिथि डाल देनी है और यहाँ आपको अपनी वैवाहिक स्थिति डाल देनी है। दोस्तों आपकी आयु कितनी है वो आयु आपको यहाँ डाल देनी है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे कार्य का प्रकार, तो मैं यहाँ आपके लिए एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है और यहाँ कई सारे काम आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी एक काम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप जो भी कार्य करते हैं आप उस कार्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ से आप अपनी जाति को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो। और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपके लिए अपने एक नियोजक का मोबाइल नंबर अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपके लिए अपने नियोजक का एड्रेस को दे देना है, आपने जिसके पास काम किया था उसका एड्रेस यहाँ फिल कर देना है। दोस्तों नीचे आपको यहाँ आपकी जनपद देखने को मिल जाएगी और यहाँ आपको अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आप विकास खंड में रहते हैं या ग्रामीण इलाके में रहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आपका वार्ड गांव। दोस्तों वीडियो को मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। दोस्तों यहाँ आपके लिए अपना वार्ड गांव आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे यहाँ आपको दिख जाएगा चुने पोस्ट, तो यहाँ अपनी पोस्ट को टाइप कर देना है, आपकी जो भी पोस्ट है यहाँ अपने एरिए का पिन कोड एंटर कर देना है और यहाँ अपना थाना को सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी थाना लगता हो। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाना है, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ डाल देना है, अपनी मकान संख्या यहाँ डाल देनी है। दोस्तों उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आवेदक का स्थायी पता, तो यहाँ आपको टिक मार्क कर देना है। अगर आप यहाँ आपको जैसे आप पढ़ भी सकते हैं आप, यदि पत्र व्यवहार एवं स्थायी पता एक ही है तो क्लिक करें, माने कि अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस
आपका सेम और आप उसी एड्रेस पर रह रहे हैं तो आपको यहाँ टिक मार्क कर देना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे इसी तरीके से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आसान तरीके से आपको फिल कर लेना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप आराम से खुद भी फिल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूरी चीज़ यहाँ बता दे रहा हूँ। और यहाँ आपको दिख जाएगा गत 12 महान निर्माण कार्य करने के दिनों की संख्या, तो आपने कितने दिन काम किया है वो आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो टिक मार्क करें। अगर आपका मनरेगा का कार्ड बना हुआ है तो आप टिक मार्क कर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ है तो उसे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको दिख जाएगा पंजीयन की राशि और यहाँ आपको दिख जाएगा नवीनीकरण की राशि। और दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा नवीनी का विवरण यानी कि नॉमिनी का विवरण, तो यहाँ आपको दिख जाएगा अपनी वाइफ को ही यहाँ आपको नॉमिनी बनाना है। क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है तो यहाँ आपको नो कर देना है, यानी कि यहाँ आपको टिक मार्क नहीं करना है। यहाँ आपको अपनी नॉमिनी का नाम इंग्लिश में टाइप कर देना है और नीचे नॉमिनी का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। दोस्तों नॉमिनी से संबंध क्या है वो आप यहाँ से टिक मार्क करके देख सकते हैं, तो यहाँ इस तरीके से देखेंगे तो पुत्री है, पति है, पिता है, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको अपनी बैंक खाता संख्या डाल देनी है और यहाँ अपना IFSC कोड डाल देना है। दोस्तों यहाँ अपनी बैंक का नाम डाल देना है और यहाँ अपनी बैंक की शाखा का नाम डाल देना है। दोस्तों आपके खाते का प्रकार क्या है वो यहाँ से डाल सकते हैं, आपका सेविंग खाता है या फिर करंट खाता है, जो भी है आप अपने हिसाब डाल देना है। और यहाँ अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड डाल देना है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे और कुछ कॉलम यहाँ आपको दिख जाएंगे इस तरीके के, इन कॉलमों में अपने डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ अपलोड कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे श्रमिक अपनी फ़ोटो अपलोड करें तो यहाँ अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेना है। और यहाँ आपको अपनी एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी को अपलोड कर देना है और यहाँ अपनी बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी अपलोड कर देना। दोस्तों मैंने आपके लिए सेकंड नंबर पे यानी कि दूसरे नंबर का जो फॉर्म फिल करके दिखाया था आपको, उस फॉर्म को यहाँ डाउनलोड कर देना है यानी कि अपलोड कर देना है। और नीचे आपको दिख जाएगा नियोजक का प्रमाण पत्र की लिपिक, तो आप इसे डाउनलोड कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले इसकी ज़रूरत होती थी लेकिन फ़िलहाल अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी हिसाब से आपको नीचे आ जा नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यदि किसी अन्य राज्य के इसी वोट में पंजीकृत हैं तो उसका विवरण। अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं कहीं और आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप इस पर टिक मार्क कर सकते हैं, उसका विवरण को एंटर कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, मतलब पहली बार बना रहे हैं अपना श्रमिक कार्ड के लिए, तो इसे छोड़ देना है। दोस्तों उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ आपको श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण दे देना है। तो यहाँ आपको दिख जाएगा सदस्य का पंजीयन नंबर, तो वो आपका भी है नहीं तो आपको छोड़ देना है। और यहाँ आपको श्रमिक का नाम डाल देना है और श्रमिक का नाम हिंदी में यहाँ आ जाएगा। सदस्य का नंबर यानी कि आधार नंबर, अगर आप जिसका नाम जोड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों का नाम यहाँ एंटर करना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद नीचे आपको जितने भी कॉलम दिख रहे हैं सारे कॉलम को टिक मार्क कर देना है और नीचे थोड़ा सा आ जाना है तो पंजीयन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पहले मैं पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेता हूँ और उसके बाद आपको जितने भी फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल कर लिया है और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ आपके लिए दिखाता हूँ कि आपको अब अपने फॉर्म को यहाँ अपलोड किस तरीके से करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे अपनी श्रमिक फ़ोटो अपलोड करें, तो यहाँ अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना होगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने चार ऑप्शन खुल जाएंगे, आप कैमरे से भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने फाइल में डॉक्यूमेंट को रख रखा है पहले से ही तो अपनी फाइल में आपको आ जाना है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल में रखता हूँ, तो मैंने यहाँ फाइल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी फ़ाइल मैनेजर आपको शो हो जाएगी, तो यहाँ आपको अपनी फ़ाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आपकी डॉक्यूमेंट आपके इंटरनल मेमोरी कार्ड में या फिर SD कार्ड में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे इंटरनल मेमोरी कार्ड और नीचे है SD कार्ड, तो मैं SD कार्ड में रखता हूँ, तो यहाँ मुझे SD कार्ड में क्लिक कर लेना है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, यहाँ आपको दिख जाएगा मदन ADR यानी कि जिस श्रमिक का मैं ये श्रमिक कार्ड बना रहा हूँ उनका नाम मदन है। तो मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पहले से ही बना के रखे हुए हैं,
तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही मैंने बना के रखे हुए हैं। तो दोस्तों श्रमिक कार्ड बनाने से पहले आपको पहले डॉक्यूमेंट को अपने एसडी कार्ड में एक फोल्डर बनाकर रखना है, ताकि अपलोड करते समय आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो अपलोडिंग की फ़ाइल होती है उसका साइज सिर्फ 100 KB होता है। उससे ज़्यादा की अगर आपकी फ़ाइल का साइज होगा तो अपलोड नहीं होगी। तो दोस्तों आपको 100 KB से ज़्यादा फाइल अपलोड यहाँ पर नहीं करनी है और होगी भी नहीं। दोस्तों आपको फ़ाइल का साइज किस तरीके से कम कर लेना है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो ज़रूर देखना। तो दोस्तों मैं यहाँ से पहले श्रमिक का फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। तो ये श्रमिक का फ़ोटो है, तो इसके लिए मैं अपलोड कर देता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ आपको दिख जाएगा ओके का मार्क, तो यहाँ से आपको ओके कर देना। दोस्तों ओके करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ श्रमिक का फ़ोटो अपलोड हो चुका है और यहाँ आपको दिख जाएगा श्रमिक कार्ड का आधार कार्ड। तो यहाँ आपको श्रमिक का आधार कार्ड को अपलोड कर देना है, तो मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद वापस चलता हूँ अपनी फ़ाइल मैनेजर में और यहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये मेरी फ़ाइल मैनेजर। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले मैं फिल कर लेता हूँ, यानी कि अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आएगा प्रोसेस मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है और अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आपको दिख रहा होगा ये टिक मार्क, तो आपको ये टिक मार्क को क्लिक कर देना है। जैसे मैंने टिक मार्क लगा कर रखा है और थोड़ा सा आपको उसके बाद नीचे आ जाना है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा पंजीयन करें। तो आपको क्या करना है कि पंजीयन करें पर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। पंजीयन करें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ दिख जाएंगे, पहला है पंजीयन करें और दूसरा है भुगतान करें। तो आपको क्या करना है कि पंजीयन करें पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको थोड़ा सा क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपने परिवार का, आपकी वाइफ का विवरण देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उनका नाम दिख जाएगा और यहाँ उनका आधार कार्ड की संख्या वो दिख जाएगी और यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। और दोस्तों अभी हमने जो पंजीयन करें पर क्लिक किया था, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अगर हम शुरू में ऊपर की साइड में आएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे और जूम कर देता हूँ इस तरीके से। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अभी हमारा आधार नंबर यहाँ एंटर था, आवेदक संख्या हमारी यहाँ की आवेदन संख्या हमारे पास नहीं थी। तो जैसे हमने पंजीयन करे पे क्लिक किया है, उसके बाद हमारे पास एक आवेदन संख्या आ चुकी है। दोस्तों आपको ये आवेदन संख्या को नोट कर लेना है, आपकी जो फाइल आपने जो बनाई है, आपको ये आवेदन संख्या उस फॉर्म के ऊपर टाइप कर देनी है, यानी कि लिख देनी है आपके लिए। दोस्तों आपको इसी आवेदन संख्या से ये चेक कर लेना है आप कि आपकी जो भी श्रमिक कार्ड आपने बनाया। दोस्तों पूरा प्रोसीज होने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमारा श्रमिक कार्ड किस तरीके से बन के रेडी हुआ है, यानी कि हमारा जो श्रमिक कार्ड का सर्टिफिकेट है वो दिखने में कैसा है और क्या क्या एड्रेस हमने फिल किया है, कुछ उसमें मिस्टेक तो नहीं है, एक बार हमें ये चेक कर लेना चाहिए। तो आपको अब अपना सर्टिफिकेट को किस तरीके से चेक कर लेना है और किस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों उसके लिए आपको वापस इसी वेबसाइट पर आ जाना है। और दोस्तों इसी वेबसाइट पर आने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ जूम कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ आपको दिख जाएगा श्रमिक वाला ऑप्शन, ये वाला एक। तो आपको क्या करना है कि इसी श्रमिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो मैं इस श्रमिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और दोस्तों यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं ऐसे जूम कर देता हूँ इस तरीके से। और दोस्तों अब आपके लिए यहाँ पर क्या क्लिक, दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, पंजीयन की स्थिति। तो अब आपको क्या करना है कि अपनों पंजीयन की स्थिति पर क्लिक कर लेना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, पंजीयन की स्थिति पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, तो दोस्तों एक इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और दोस्तों पंजीयन की स्थिति जानने के लिए यहाँ आपको सिर्फ अपना आधार नंबर को डाल देना है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो मोबाइल नंबर आप डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ आधार नंबर डाल दिया है, और आपको भी इसी तरीके से आधार नंबर अपना डाल देना है। और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा एक सर्च का ऑप्शन, तो आपको सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देना है, तो मैं सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा श्रमिक कार्ड इस तरीके का देखने में आपको दिख जाएगा, और जो भी हमने इसमें एड्रेस को फिल किया है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं, यहाँ आपका फ़ोटो यहाँ आपको दिख जाएगा, और नीचे यहाँ आपकी पत्नी की जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की थी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी।
और यहाँ आपको अपनी आवेदन संख्या देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ आपको अपनी आवेदन संख्या देखने को मिल जाएगी और यहाँ आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं मदन लाल के नाम से ये बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ नाम देख सकते हैं मदन लाल और उनकी सन ऑफ ये। दोस्तों सारी चीज़ को मैंने यहाँ ब्लर करके रख दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की प्राइवेसी को लीक किया जाए या शेयर किया जाए। दोस्तों अब आपके लिए क्या करना है कि आपको इसकी एक PDF फाइल की कॉपी आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों डाउनलोड करने से पहले आपके लिए बता देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट आपके नीचे शो हो रहे हैं आपको इनके लिए पहले यहाँ से हटा देना है। हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ब्लू मार्क का एक टिक लगा हुआ है, तो आपको इस टिक मार्क को यहाँ से हटा देना है। और हटाने के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट अभी शो हो रहे थे वो डॉक्यूमेंट आपके हाइड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक PDF फाइल इसी की आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों अभी आपका ये श्रमिक कार्ड बनके रेडी नहीं हुआ है, आपको सिर्फ एक आवेदन किया आपने और एक आवेदन संख्या यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको दिखा भी दिया, ये आपकी आवेदन संख्या है और आपको इसी आवेदन संख्या से अपनी एक नई पंजीकरण संख्या एक लेनी होगी और उसका जो आपका श्रमिक कार्ड कंप्लीट बनके तैयार आएगा वो देखने में कुछ इस तरीके का होगा और ये आपकी आवेदन संख्या हट जाएगी। दोस्तों अभी क्या है कि अभी आपका जो आपने आवेदन किया है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके श्रम विभाग के पोर्टल पर जा चुकी है। अभी क्या होगा कि अब आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाले हुए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट का एक सत्यापन होगा और अधिकारियों द्वारा आपके सत्यापन पूरा होने के बाद आपकी नई पंजीयन संख्या को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों कंप्लीट श्रमिक कार्ड बनने तक हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, 10 से 15 दिन का हमें वेट कर लेना है और वेट करने के बाद हमारा जो नया पंजीकरण संख्या है वो हमें मिल जाएगा। दोस्तों आपके लिए अब क्या करना है, हमने अभी जो फाइल को कंप्लीट किया था, जो भी फाइल मैंने आपको फॉर्म बना के दिखाई थी, उस फाइल को आपके लिए अपने श्रम विभाग के ऑफिस में जाके जमा कर देनी है। अभी क्या होगा कि अभी आपका फाइल का जो भी सत्यापन है वो हो जाएगा। सत्यापन होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपकी नई पंजीयन संख्या को जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों अपने आधार कार्ड से, अपनी आवेदन संख्या से अपनी श्रमिक कार्ड को आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसकी PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना होगा, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपकी PDF फाइल आपको इस तरीके से दिख जाएगी, यहाँ आपको दिख जाएगा PDF, तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपकी PDF फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी। और नीचे आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आपको दिख जाएगा लेबर प्रोफाइल, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से सेव कर देना है, तो मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अभी क्या है कि आपकी जो PDF फाइल है वो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी और आप इसी तरीके से आप इसे सेव करके रख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैं, आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा मोबाइल है और 31/10/2021 इस डेट में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और दोस्तों अब मुझे आय का प्रोसेस उसी दिन इसमें ऐड कर लेना है जिस दिन ये वाला जो मैंने आपको श्रमिक कार्ड बनाया है ये वाला जब फुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको डाउनलोड करके भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तब तक मैं इस वीडियो का वेट करता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों आय का प्रोसेस मैं तभी शुरू करूंगा जब श्रमिक कार्ड पूरा बनके रेडी हो जाएगा, नया श्रमिक कार्ड इसका बनके आ जाएगा और फिर मैं आपको इसी श्रमिक कार्ड को कंप्लीट श्रमिक कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा और किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी क्या है कि अभी जो हमारा श्रमिक कार्ड था वो बनके रेडी हो चुका है, यानी कि हमारे श्रमिक कार्ड का सत्यापन हो चुका है। और दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए दिखा देता हूँ कि आज डेट क्या है, किस डेट में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसा कि ये मेरा एक छोटा मोबाइल है, यहाँ आप देख सकते हैं आज डेट, आज 7/11/2021 है। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ साफ कर देता हूँ इस तरीके से, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ 7/11/2021 है। और यहाँ आपके लिए मैं इस वाले मोबाइल फ़ोन पर भी दिखा देता हूँ कि आज इसमें क्या डेट दिखाई दे रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी, तो आज यहाँ भी थोड़ा मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ आप देखेंगे तो संडे और 7/11/2021 दिख रहा होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, आपको आवेदन करने के बाद 10 से 15 दिन वेट कर लेना है। आपके श्रमिक कार्ड का सत्यापन होने के बाद आपके लिए एक पंजीकरण संख्या जारी कर दी जाएगी, यानी कि आपका जो कंप्लीट श्रमिक कार्ड वो बना के
रेडी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों कंप्लीट श्रमिक कार्ड बनने के बाद डाउनलोड कैसे कर लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों आवेदन संख्या का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें और जो नया श्रमिक कार्ड हमारा बन के आया है उसमें कितना डिफरेंट है और आपको ये कैसे पता करना है कि इसमें हमारा ओरिजिनल कौन सा है, लोकल कौन सा है। तो दोस्तों आवेदन जो हमने किया था उसकी भी मैंने आपको कॉपी निकाल के दिखाई थी पीडीएफ फाइल में, और अभी जो हमारा कंप्लीट बन के रेडी हुआ है श्रमिक कार्ड उसकी मैं आपको कॉपी निकाल के दिखाऊँगा पीडीएफ फाइल में, और उसमें आपको ये दिखाऊँगा कि आपको कितना अंतर देखने को मिल जाएगा कि आपके जो कम्प्लीट वाला श्रमिक कार्ड होता है उसमें कितना अंतर होता है और जो हमारा डीमो वाली फाइल होती है यानी कि जो हमारा आवेदन होता है उसमें कितना अंतर होता है। तो दोस्तों कभी भी आपको ऑनलाइन करने के बाद ये नहीं सोचना है कि हमारा श्रमिक कार्ड बन चुका है। आपको एक 14 अंकों की जब तक पंजीकरण संख्या नहीं मिलेगी तब तक आपका श्रमिक कार्ड कंप्लीट बन के तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने जो आवेदन किया था उसकी पीडीएफ फाइल कहाँ पर है, तो उसको पीडीएफ फाइल मैंने अपनी मोबाइल फ़ोन में यहाँ लोड करके रखी हुई है तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब हमने आवेदन किया था उस वक्त एक इस तरीके का फॉर्म मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था, और इस फॉर्म में यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और जूम करके आपको दिखाऊँगा दो चीज़ें यहाँ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, एक आवेदन संख्या और एक सत्यापन। सत्यापन में आपको क्या नोट कर लेना है और आवेदन संख्या में आपको क्या नोट करना है जिससे आपको लगे कि आपका जो पंजीकरण है वो सत्यापन सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो मैं वीडियो को पहला थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो दोस्तों मैंने वीडियो के लिए यहाँ जूम कर दिया है और यहाँ आप थोड़ा सामने देखिए, यहाँ आपको दिख जाएगा नई पंजीकरण संख्या और यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा एक 10 अंकों की आवेदन संख्या। तो दोस्तों अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने आपको पहले जो रिकॉर्ड किया था वीडियो उसमें दिखाया था, और नीचे आपको दिख जाएगा नाम और यहाँ उनका फ़ोटो दिख जाएगा। दोस्तों इस श्रमिक कार्ड के लिए मैंने किस दिन आवेदन किया था वो डेट आपको यहाँ दिख रही होगी, 31/10/2021 में मैंने इसको लिए यानी कि ऑनलाइन किया था मोबाइल से। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ सत्यापन नीचे, तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। दोस्तों मैंने वीडियो को थोड़ा सा और जूम करके ऊपर साइड में कर दिया है। दोस्तों यहाँ आपके लिए देखने को मिल जाएगा 16 नंबर पर श्रमिक का सत्यापन, तो यहाँ आपको देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, तो यानी कि हमने आवेदन किया है लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं हुआ है। तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट का यानी कि हमने जो आवेदन किया है उसकी पूरी प्रक्रिया का सत्यापन हो जाएगा उसके बाद ही आपको नई पंजीकरण संख्या दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो हमारा ओल्ड वाला प्रोसेस था जो मैंने आपको इस वीडियो में रिकॉर्ड किया है मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ नया वाला श्रमिक कार्ड डाउनलोड करके कि आपको इसमें और उसमें कितना अंतर है, क्योंकि इसका कंप्लीट वाला श्रमिक कार्ड बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं उसके लिए डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं चलता हूँ वापस अपने मोबाइल फ़ोन की बैक स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे, और यहाँ आपके लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देता हूँ। दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है UPBOCW जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया है, और टाइप करते ही यहाँ आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सिंपल आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ वीडियो के लिए ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ, और यहाँ आपके लिए एक ऑप्शन दिख जाएगा श्रमिक वाला। सिंपल आपको श्रमिक वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ आपके लिए दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ आपके एक ऑप्शन दिख जाएगा पंजीयन की स्थिति। तो आपको क्या करना है कि पंजीयन की स्थिति पर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा आउट कर देता हूँ। और दोस्तों उसके बाद पेज खुलने के बाद सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ अपना आधार नंबर डालना है, यानी कि आपने जिसका भी श्रमिक कार्ड का आवेदन किया था उसका आधार नंबर डाल देना है, तो मैं यहाँ आधार नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ मैंने आधार नंबर डाल दिया है, और यहाँ आपके लिए एक ऑप्शन और दिख जाएगा मोबाइल नंबर का, तो यहाँ आप मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो मैं सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक प्रोसेस होगा, और दोस्तों प्रोसेस होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं एक कंप्लीट श्रमिक कार्ड बनके रेडी हो चुका है, और हमने जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपके लिए, और आपका कंप्लीट श्रमिक कार्ड बनके रेडी हो चुका है। इसमें सिर्फ 7 दिन लगे थे कंप्लीट होने में, क्योंकि इसका
ऑनलाइन ही सत्यापन हो चुका था, क्योंकि मैंने जो कि डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड किए थे उनकी रेजुलेशन काफ़ी अच्छी थी और इस वजह से सत्यापन ऑनलाइन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब मैं आपके लिए बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ इसमें डिफरेंट दिख रही है, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले कुछ दिखाया था आपको आवेदन वाली PDF फाइल में, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस जगह पर आवेदन संख्या हमारी लिखी हुई थी उस जगह पर पंजीकरण संख्या क्या लिखी हुई है। दोस्तों पंजीकरण संख्या जो होती है वो 14 अंकों की होती है, आवेदन संख्या जो होती है वो सिर्फ 10 अंकों की होती है। और सत्यापन जहाँ दिख रहा था आपके लिए नहीं लिखा हुआ है, कुछ जगह पर सत्यापन पर लिखा होगा यस, तो वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने वीडियो के लिए जूम कर दिया है और यहाँ आपको दिख रहा होगा नई पंजीकरण संख्या, और यहाँ आप देख रहे होंगे पहले यहाँ आवेदन संख्या थी जिसकी स्टार्टिंग 20 से थी, और यहाँ आपको दिख रहा होगा पंजीकरण संख्या यहाँ चेंज हो चुकी है, अभी ये 092 से स्टार्ट हुई है और इसकी 14 अंकों की संख्या है। तो यहाँ आपने देखा है कि पंजीकरण संख्या ये हो चुकी है, तो हमारा कंप्लीट श्रमिक कार्ड बन के हो चुका है रेडी, अभी हमारे लाइफ टाइम तक काम में आने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सत्यापन वाले ऑप्शन पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है अभी हमें लिए, तो वो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ आपको दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप ये श्रमिक का सत्यापन, और यहाँ आपको दिख जाएगा हाँ, तो यानी कि हमने जो आवेदन किया था उसका सत्यापन हो चुका है और श्रम विभाग की तरफ से हमारा जो श्रमिक कार्ड था वो यानी कि अप्रूवल कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपना श्रमिक कार्ड मोबाइल से बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आपके लिए एक ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ, तो दोस्तों ये वही फाइल है जिस फाइल से मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था, और इस फाइल को मैंने कहीं भी जमा नहीं किया था, फिर भी मेरा श्रमिक कार्ड बनके रेडी हो चुका है, पूरा प्रोसेस आपको मैंने लाइव दिखा चुका हूँ। अब दोस्तों आपके लिए इस फाइल को संभाल के रखना है, ये फाइल आपके कभी भी काम आ सकती है। दोस्तों अगर आपका श्रमिक कार्ड बन के रेडी नहीं होता यानी कि ऑनलाइन सत्यापन नहीं होता, तो आपको उस टाइम इस वाली फाइल की ज़रूरत पड़ती और इस फाइल को आपको श्रम विभाग के ऑफिस ले जाना पड़ता। तो दोस्तों इस फाइल को अब आप सेफली रख सकते अपने पास। तो दोस्तों अब आपके लिए अपना नया श्रमिक कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल यहां क्लिक कर लेना होगा, तो मैं यहां क्लिक कर देता हूं इस तरीके से। और दोस्तों क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का पेज आप पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहां दिख रहा होगा आपको PDF, तो आपको क्या करना है PDF पर क्लिक कर देना है और आपका PDF फाइल में श्रमिक कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा, और ये डाउनलोड आप अपनी गैलरी में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, तो आपको सेव से ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपका जो श्रमिक कार्ड है वो गैलरी में जाके PDF फाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कंप्लीट प्रोसेस अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैंने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस शुरू से एंड तक का अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आपके लिए मेरी वीडियो ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं दोस्तों मिलूँगा आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।